नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट 2022। चेक नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट। तो आप नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं? देश के जिन नागरिकों ने नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट 2022 के तहत अपना नरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किए थे, वो अब इस योजना के माध्यम से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना नाम देख सकते हैं। नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट 2022 के लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं? तो पहला है, जिन परिवारों के नाम नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट 2022 में शामिल है उन्हें 100 दिन का विकास कार्य प्रदान किया जाएगा। तो जिस भी लोग का नाम इसमें आता है वो लोग को 100 दिन का विकास कार्य प्रदान किया जाता है। दूसरा है, यह विकास कार्य उन्हें उनकी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान किया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर के पे अब उसको नौकरी मिलता है, जिससे उन्हें काम करने के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरा है, इस लिस्ट का लाभ हर साल उन्हीं नागरिकों को मिलता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। तो जो भी सरकार की तरफ से नियम कानून रहता है, रूल बनाया जाता है, उसको जो लोग लागू करता है वही लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। चौथा है, नरेगा जॉब कार्ड न्यू लिस्ट के माध्यम से नागरिकों को प्रतिदिन 309 से अधिक की मजदूरी प्रदान की जाती है। तो मजदूरी जो खटेंगे लोग वो लोग को 309 रुपये से अधिक मिलेगा पर दिन का। पांचवा है, यह योजना पात्र परिवारों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप इसमें भरने जाते हैं तो, रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो? आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका। तो आपको इसमें अपना नाम ढूंढने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना होगा, narega.nic.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे पंचायत GPPSZP लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पंचायत खुल जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे ग्राम पंचायत लिखा हुआ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा ग्राम पंचायत खुल जाएगा, जिसमें आपको सेकंड नंबर यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे स्टेट खुल जाएगा, तो आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा स्टेट है आपका या किस स्टेट का देखना चाहते हैं। तो आप अपने स्टेट का सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रिपोर्ट खुल जाएगा, जिसमें आप जो भी स्टेट सेलेक्ट किए उसका नाम आ जाएगा। फिर फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर का देखना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक, पंचायत और प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत यहाँ आ गया। उसके बाद आपको जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन जो यहाँ दिख रहा है, इसमें जो आपको यहाँ पे चौथा नंबर में जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर दिख रहा है, इसमें आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद, क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर और नेम खुल जाएगा। तो आपको यहाँ से जॉब कार्ड नंबर जो है इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना नाम मिल जाता है तो उसके सामने वाले जॉब कार्ड नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से सारा डिटेल यहाँ खुल जाएगा। तो यहाँ नाम आ जाएगा, उसके बाद जेंडर, एज सब यहाँ पे खुल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे बहुत सारा लोगों का नाम रहता है, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, तो आप अगर अपना नाम यहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको 3 डॉट वाला दिखेगा, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फाइंड ऑन पेज यहाँ जो दिख रहा है इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद, फाइंड ऑन पेज में क्लिक करने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपना यहाँ नाम भरना है। नाम भरते ही आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा और आप आसानी से अपना नाम यहाँ ढूंढ लेंगे।